पांड्या कितनी अच्छी बैटिंग करता है वो कोई हिटर नहीं है, वो मेरे हिसाब से प्रॉपर बैट्समैन है। पहले हम यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहां से आ रहे हैं, बॉलर्स यहां से आते हैं, यहां से बॉलर भी आते थे बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहां के बॉलर ने अब थोड़ा गोश वोश खाना शुरू कर दिया तो थोड़े तगड़े हो गए। तो और भी है जो कि ऑलराउंडर वर्ल्ड के बन चुके हैं T20 के, हार्दिक पांड्या। बहुत टफ टाइम था IPL में कि फर्स्ट टाइम ये रखे इंडिया में, फर्स्ट टाइम ये हुआ कि आपके टॉप के प्लेयर के खिलाफ जो नाराबाजी हो रही है। ये उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे टैलेंट आए जा रहा है, आए चारा भी है इंडिया। हमारे पास एक ऑलराउंडर मिसिंग है, अगर हम जाएंगे तो चारों फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या जैसे जिस तरह से इंडियन टीम को अगर वो बॉलिंग में परफॉर्म करके नहीं देगा तो वो बैटिंग फिगर में आके परफॉर्म कर देगा। बैटिंग में नहीं कर रहा, बॉलिंग में विकेट निकाल के दे देगा। तो मगर फील्डिंग के साथ साथ एक और मसला है हमारी टीम में, पावर हिटिंग का। पावर हिटिंग की या तो हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं नेट्स में, या नेट्स में इतनी प्रैक्टिस कर, मतलब हम सुनते थे ना जी आसिफ अली ने जो है वो पता नहीं कितने 150 छक्के मार दिए नेट्स में जी, आके कितने मारे, दो या एक भी नहीं। तो पावर हिटिंग का एक बहुत बड़ा मसला भी है। भारत यहाँ पे टॉप कर रहे हैं 32 सिक्सेस हैं, और ऑस्ट्रेलिया 29, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के, अगर हम श्रीलंका कल वाले सिक्सेस इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं ना, क्योंकि कल ही उन्होंने काफी ज्यादा सिक्सेस। इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा चीज के जी, इंडिया के पास पावर हिटर नहीं है, प्रॉपर प्लेयर है। एक चीज ये याद रखिए, लेकिन पावर हिटिंग वाला लव जो है ये मुझे लगता है कि ये गलत है। जब तक आप प्रॉपर नहीं खेलेंगे ना, टाइम करना होता है, छोटी बाउंड्री आप खुद कह रही है 65 हो जाएगी बाउंड्री या 60 इतने होता है। अगर आप प्रॉपर खेलेंगी तो हो ही नहीं सकता छक्का ना लगे, इतने अच्छे बल्ले आप आ गए, विकेटें इतनी अच्छी हैं, आपने टाइम करना अच्छी जगह पे। जब आपको ये डर नहीं है ना कि यार मैं तो प्रॉपर हिट करूंगा और मैं इसको बना के खेलूंगा, तो इंडिया के सबसे ज्यादा छक्के इसीलिए हैं। आप मुझे बताएं रोहित शर्मा कोई पावर हिटर है? नो, प्रॉपर प्लेयर है, प्रॉपर प्लेयर। और शुभमन गिल, शुभमन गिल है, कोहली है, ईशान किशन ओपन करते हैं, ओपन जो करते हैं, ईशान किशन भी कह लें आप नीचे जो आते हैं उनके लड़के सारे छक्के मारते हैं। पांड्या कितनी अच्छी बैटिंग करता है, वो कोई हिटर नहीं है, वो मेरे हिसाब से प्रॉपर बैट्समैन है। बॉलिंग वो साथ एक्स्ट्रा लगी हुई उसकी, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है लेकिन बैटिंग वो ज्यादा अच्छी करता है। लाला वैसे क्या मतलब, एक एक कहते हैं ना मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है, हम मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बोलिंग पावर हाउस, क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बोलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल, 1.5 अरब, हम पहले हम यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश वोश खाना शुरू कर दिया तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन कि वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है, एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरभ ने किया, सौरभ के बाद गंगोली, और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह की है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ही बात करते रहते हैं ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी से जरूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे टैलेंट आए जा रहा है, आ रहे चारा भी है इंडिया। हम तो ये जो है न्यूट्रिशन की तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया, फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, सो MRF एकेडमी बनी, MRF एकेडमी में काम हुआ, फास्ट बॉलर्स की बायो मैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया एंड उनको नर्चर करना शुरू किया उस हिसाब से। वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसका आपको नजर आया कि यार ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है इस तरफ, फास्ट बॉलिंग कैंप्स में वन ऑफ बात करते थे, कभी इरफान पठान की बात कर लेते थे, एक आधा कोई एक आधा जहीर था उनका, और वो फास्ट बॉलर श्रीनाथ, ये दो थे। और भी है जो कि ऑलराउंडर वर्ल्ड के बन चुके हैं T20 के, हार्दिक पांड्या, जो कि तुम पूरा नाम लो उनका, भूल बात कर रही हो तुम, मेरे लिए तो वो नंबर वन ऑलराउंडर बहुत पहले से था भाई,
हार्दिक हिमांशु पांड्या तो मेरे लिए, क्योंकि भाई मैं पर्सनली उसका फैन भी हूँ, ठीक है ना, तो मेरे लिए तो जिस हिसाब का उसका गेम प्लान है, जिस हिसाब की वो क्रिकेट खेलता है बंदा, तो मेरे लिए तो भाई वो बहुत पहले से नंबर वन है। वो तो अभी बस वो अनाउंस हुआ है कि भाई T20 फॉर्मेट में नंबर वन ऑलराउंडर, ठीक है, हसरंगा को पीछे किया, नंबर दो पर आया हसरंगा, नंबर वन पर पहुंच चुका है हार्दिक हिमांशु पांड्या, ठीक है ना। और जो बात है, जो बंदे ने क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में वाकई भाई बड़ा उभर कर आए हैं, जिसका वाकई हमें था कि भाई मुंबई इंडियंस में इनकी परफॉर्मेंस ऐसी ऐसी चल रही है। ये देखोगे मेरा एक ड्रीम पूरा हो जाएगा, हार्दिक हिमांशु पांड्या को कजाफी स्टेडियम में देख लू मैं, ठीक है ना, कि भाई ये मतलब खेल रहे, फील्डिंग कर रहे हैं, वहीं से नारे लगाऊंगा हार्दिक। अच्छा देखो, फाइनल जिताने भी हार्दिक का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। हार्दिक पांड्या टीम की तो वर्क है, लेकिन उनका ओवर जो था लास्ट, देखो शाहिद अफरीदी ने क्या बोला था, शाहिद अफरीदी हमेशा एक बात चिल्लाता है, वो क्या चिल्लाता है कि भाई हमने अब्दुल रजाक के बाद कभी भी पाकिस्तान टीम में कोई भी एक अच्छा ऑलराउंडर प्रोड्यूस नहीं किया, हमें हार्दिक पांड्या जैसे, जिस तरह से इंडियन टीम को अगर वो बॉलिंग में परफॉर्म करके नहीं देगा तो वो बैटिंग फिगर में आके परफॉर्म कर देगा, बैटिंग में नहीं कर रहा बॉलिंग में विकेट निकाल के दे देगा। तो शाहिद अफरीदी भी यही कह रहा है कि भाई हमें एक हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर ग्रूम करना चाहिए जो पाकिस्तान टीम का एक अपना वजन बर्दाश्त कर सके, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या हो रही है कि देखो, अब हार्दिक पांड्या का आपको पता है स्टोरी क्या रही है, ठीक है ना, इतना वो ट्रोल हुए हैं आईपीएल 2024 मतलब आईपीएल तो 2023 तो उनका बहुत ही खतरनाक किया, अदर मीडियास ने भी काफी ज्यादा ट्रोल किया कि भाई क्यों बन गए। और देखो इसी वजह से इस बंदे को मैं लाइक करता हूँ, इस बंदे ने जो कमबैक किया है ना, मतलब कोई भी इसके कमबैक स्टोरी देखेगा, मतलब 2023 के आईपीएल से जब ऑक्शन हुआ था, जब ये मुंबई इंडियंस के लिए अनाउंस हुआ था, वहां से लेके 2024 के वर्ल्ड कप का फाइनल तक, लास्ट इंटरव्यू में वो यही कहते हैं मैं 6 महीने खामोश रहा, मुझे सिर्फ इस मौके का इंतजार। और यार इमोशंस दिख रहे थे उस बंदे के चेहरे पे, मतलब उसको दिख रहा था कि उसने कितना कुछ यहाँ से बर्दाश्त किया है, ठीक है ना। और ये नंबर वन T20 ऑलराउंडर वो बना है, ये बात मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो देखो वो डिजर्व करता था, अपनी वीडियोस में हार्दिक को बहुत ज्यादा हाईली रेट कर चुके हैं। और आप देखो कि वो उसमें इंटरव्यू में बोल भी रहा होता है कि भाई ऊपर वाले की कृपया देखिए कि आखिरी ओवर भी मेरे पास आया, ठीक है ना, कि मतलब उसको भाई देखो मौका मिला है, क्योंकि ऊपर वाला भी देख रहा होता है मैं किसके साथ गलत कर रहा हूँ और किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ सही हो रहा है, तो उसको कभी ना कभी भाई मौका मिलता है। और जो आज हार्दिक पांड्या के जो आज से कोई 6-7 महीने पहले जो हेटर्स थे ना, वो बंदे ने उनको हेटर्स में फैंस में बदल दिया, सही बात है भाई, ये वो बंदा है। बाकी देखो मेरा, तुम कितने भी हार्दिक पांड्या की बातें कर लो, मेरा दिमाग लाहौर में ही रहेगा, मेरा मुद्दा लाहौर में अभी से बैठ, मेरा देखो मेरा मुद्दा अभी वहीं रहेगा जब तक मैं कजाफी स्टेडियम में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैं नहीं देख लूंगा ना। देखो यार, देखो एक बात मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग कितनी दफा अभी जो यार इंडियंस की ना जनरेशन एक्सपीरियंस कर चुकी है। अब मैं तुम्हें बताऊं, बोलो कैसे 2011 के अंदर अभी जो भी लोग 18-20 साल के, उनके अम्मा अब्बा ने देखा होगा, वहां पे 2011 में अफरीदी की टीम गई थी, फिर 2016 के अंदर वापसी गई, ठीक है, फिर मिड के लोगों ने देख लिया होगा, फिर अभी रिसेंटली होकर आई अहमदाबाद के अंदर। अबे यार एक दफा हमारा भी हक है, अभी दोबारा 2026 में होने वाला है भाई। अबे भाई वही तो कह रहा हूँ, एक दफा हमारा भी हक है यार, मतलब सच जाएगा कजाकी से कॉन्टेक्ट करना। अरे यार मैं दे रहा हूँ सिक्योरिटी की गारंटी यार, मैं कर रहा हूँ ना, मैं पूरी फौज खड़ा कर दूंगा यार, किसी को टच करने नहीं दूंगा मैं, सिक्योरिटी गारंटी। आप लोग बस अपनी टीम भेजो, मेरे ऊपर है सारी सिक्योरिटी। अगर हार्दिक पांड्या की जर्नी आप देखेंगे लास्ट 6-7 मंथ्स पर्सनल लाइफ से लेके उसकी क्रिकेट लाइफ तक, आईपीएल की जर्नी देख लें यहाँ तक, तो बड़ा ट्रोल हुआ, बहुत टफ टाइम था आईपीएल में, कि फर्स्ट टाइम ये लगे इंडिया में फर्स्ट टाइम ये हुआ कि आपके टॉप के प्लेयर के खिलाफ जो नाराबाजी हो रही है, ये हमने तो कभी नहीं देखा मेरे ख्याल से, कभी बहुत कम हुआ, अनरियल था। एंड यू कुड टेल फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज इन दोस फर्स्ट कपल ऑफ गेम्स जो हमने भी नोटिस किया था, बट देन ही फाउंड अ वे टू बाउंस बैक, एंड आई थिंक आज जिस तरह उन्होंने जवाब दिया है, एवरीबॉडी विल रिमेंबर दोस विजुअल्स एंड ऑल ऑफ द पीपल हु had nasty things to say about him. I think he has turned everybody into his fans, and ये बहुत यही यही तो moments आपको बंदे का पुत्र बनाते हैं ना। बुजदिल आदमी भाग जाता है, बड़ा आदमी ये मौका देख के बड़ा हो जाता है। कोहली पूरी टीम आउट होगी, उसे मौका दो, वो ये मौके ढूंढ रहा होता है कोहली, कि टीम जब सारी फारिग हो जाए अब सिचुएशन आ गई मेरे पे, हम क्या करते हैं, हम बचते हैं इन सिचुएशन। जिस तरह हम बार बार बात करते हैं एक हार्दिक पांड्या, We require a player like Hardik Pandya. एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन दी ऑर्डर आए, जो कि बोलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। आज हम इंडिया की फास्ट बॉलिंग को हम देखें, बुमराह खेले, सिराज खेले, हर्षदीप सिंह खेले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है, और हार्दिक पांड्या खेले, इनमें से 3 जेन्युइन स्पिनर है और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है टोटल, उसमें एक जेन्युइन आपने ऑलराउंडर भी डाल दिया, लेकिन वो साथ में फास्ट बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। अगर फास्ट बॉलिंग की तरफ जाएं, समझे उन्होंने 4 फास्ट बॉलर एक बैट्समैन हार्दिक पांड्या की सूरत में खेल लिया। हमारे पास एक ऑलराउंडर मिसिंग है,
अगर हम जाएंगे तो चारों फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, चार फास्ट बॉलर में अगर एक ऑलराउंडर होता तो आपके पास ऐसी पिच के ऊपर एक बैट्समैन भी ऐड हो जाता, ठीक है, वो हम मिसिंग कर रहे हैं इसीलिए। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो हार्दिक पांड्या है वो दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर बन गए हैं, और जैसे ही उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस दी है तो उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और वह हार्दिक पांड्या की बहुत तारीफ कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर शाहिद अफरीदी और बाकी जो पैनलिस्ट है वो भी यही कह रहे हैं कि जो हार्दिक पांड्या है वो वर्ल्ड का नंबर वन ऑलराउंडर है, और वह जो स्टेबिलिटी देता है कि वह बॉलिंग भी कर सकता है और बैटिंग भी कर सकता है, तो एक एक्स्ट्रा हमें फास्ट बॉलर या फिर बैट्समैन नहीं खिलाना पड़ता है। और आपको जैसा पता ही होगा कि वो लास्ट के ओवर में आके जो सिक्सेस मारता है इंडिया को जिताने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। साथ ही में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, शाहिद अफरीदी की जो कन्वर्सेशन थी वो आपको कैसी लगी, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जैसा कि हमें यह भी पता है कि हाल ही के दिनों में जो हार्दिक पांड्या को इतना ट्रोल किया जा रहा था आईपीएल के अंदर, क्योंकि जो मुंबई इंडियंस की कप्तानी है वो उनसे रोहित शर्मा से लेकर और हार्दिक पांड्या को दे दी गई थी, तो इसी बीच में जो हार्दिक पांड्या है उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, उसके मजाक बनाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस है सबको मुँह तोड़ जवाब दिया है और सबकी बोलती बंद कर दी है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए।